हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा 19 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के समक्ष रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस एक विशेष सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जहां राष्ट्रीय नेता सुखपाल सिंह खेड़ा किसानों बागवानों की समस्याओं पर चिंतन मनन करेंगे, जिसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता कर साझा की गई। वहीं महासम्मेलन के आयोजन को लेकर किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कबल रविन्द्र सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। राज्य स्तरीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस का 24 जून को होना तय हुआ है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि PCC प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश की आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी आएंगी और विशेष अतिथि के रूप में पहली बार हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुखपाल खेड़ा जी आएंगे। तो 24 जून को ये होना तय हुआ है और इसको हम आदरणीय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी को समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के उत्थान के लिए किया है, हम जितना भी आभार उनका करें वो कम होगा। तो इसका 24 जून को होना तय हुआ है और आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। हमने अपना 19 सूत्रीय मांग पत्र पहले ही सरकार के समक्ष रखा है और इस सम्मेलन का हमने निमंत्रण सभी को दिया है सरकार में। इसमें हम किसान बागवान के जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे, परंतु साथ ही साथ ये सम्मेलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता सुखपाल सिंह खेड़ा जी आएंगे और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों की समस्याओं को वो भी पहली बार सुनेंगे और अवगत होंगे यहाँ पर आकर के। हालांकि वैसे तो वो हमारे साथ इन टच रहते हैं। तो हमने इसमें जितनी भी समस्याएं हैं बागवानों की, और आपने ठीक कहा कि वी हैव एन एप्पल डोमिनेटेड बेल्ट हियर और सेब जो है वो आर्थिकी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन हम सिर्फ सेब की ही बात नहीं करते, हम जितने भी फ्रूट्स जितनी भी वेजिटेबल्स हिमाचल प्रदेश में होती है हम सबकी बात करेंगे, क्योंकि हिमाचल एक है और हिमाचल की अगर टोपोग्राफी की आप बात करें तो 350 मीटर से लेकर के हम 4,500 मीटर तक कई तरह के अलग अलग फ्रूट्स और कई तरह की अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। तो इस सम्मेलन में हर चीज़ पे बात होगी, आप आमंत्रित हैं और उस दिन भी आप कवरेज करें, और यदि कोई इशू आपको भी लगता है आप खुद किसान पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप भी हमारे समक्ष रखें, उसको भी हम आगे सरकार तक लेके जाएंगे।